नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क और मैं हूं अरुण दुबे। सूचना नेटवर्क न्यूज चैनल राजनीति, व्यापार, बॉलीवुड, मनोरंजन, खेल और नवीनतम समाचारों को शामिल करता है। लाइव खबरों एवं ब्रेकिंग न्यूज के लिए बने रहिए सूचना नेटवर्क के। नमस्कार, मैं सूचना नेटवर्क से आपके सामने नवाबगंज उन्नाव जिले में उपस्थित हूँ यहाँ पर, और आई हूँ यहाँ पे भारतीय सही मंच के पदाधिकारी मौजूद हैं। आइए आपका परिचय करा दूँ। राष्ट्रीय संयोजक भारतीय सही मंच से डॉक्टर आर्थर कॉकर जी हैं, निक्सन बक्स जी हैं, प्रदेश संयोजक हैं, रिचर्ड कॉकर हैं आपके प्रदेश सह संयोजक हैं। आइए हम इनके कुछ विचारों को, भारतीय जनता पार्टी के विचारों को देश की जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। आइए इनके विचारों को हम जानना चाहते हैं। जी जी संयोजक जी, बताइए भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो ईसाइयों को मेघालय से समर्थन मिला है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? पहले तो मैं आपका सूचना नेटवर्क का, आपकी मीडिया का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर आर्थर कॉकर, मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ भारतीय ईसाई मंच का और क्षेत्रीय मंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश का। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेघालय से जो एक बड़ा एक परिवर्तन हुआ है, एक बड़ी बात आई है वहां से कि जो अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष तौर पर ईसाई समुदाय, जिसको अब तक जो है जितनी भी सरकारें इस देश के अंदर आई, ईसाइयों का लोगों ने इस्तेमाल किया और ईसाइयों को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो किसी भी सरकार ने उनको नहीं दिया। और एक ये बड़ी बात हुई है कि मेघालय के अंदर, हाँ, हम लोगों के समुदाय के लोग वहाँ पे एक बड़ी संख्या के अंदर वहाँ पर हैं। और पीछे जो होता था कि वहाँ पर भी हमारा समुदाय को लोग जो है उसका इस्तेमाल करते थे तो वो बढ़ जाता था, पर ये एक ऐतिहासिक एक बात हुई है कि मेघालय के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे समुदाय को, ईसाई समुदाय को जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इस निर्णय को लिया है, और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, नड्डा जी का, माननीय अमित शाह जी का, और मैं अपने मुख्यमंत्री जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर भी और अलग अलग राज्यों के अंदर भी जो है आज ईसाई समुदाय को जो है एक जगह दी जा रही है, संगठन के अंदर भी और सरकारों के अंदर भी इनके लिए सोचा जा रहा है। जी, मैं प्रदेश संयोजक निक्सन बक्स जी से जानना चाहती हूँ कि आपके, सबसे पहले मैं आपके न्यूज चैनल को नमस्कार कहता हूँ और बाकी हमारे सभी देशवासियों का भी नमस्कार कहता हूँ। हमारे भारतीय ईसाई मंच की ये तैयारियां चल रही हैं सन 2024 में जो चुनाव होने के लिए जा रहे हैं। हमारे भारतीय ईसाई मंच के जो सभी पदाधिकारी इस कोशिश में हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ईसाई समाज के लोगों को एकजुट कर रहे हैं, इसलिए जिससे कि हम मोदी जी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर सके। हम सभी ईसाइयों से, सभी ईसाई वर्ग के लोगों से ये अपील करते हैं कि सब लोग एक एक छतरी के नीचे आएं या एक मंच के नीचे आएं और सब लोग मिलकर के सन 2024 के इलेक्शन में सभी सपोर्ट करें, जिससे कि मोदी जी को हम फिर से ला सके, इस देश में फिर से ला सके, जिससे कि जो मसीह समाज, ईसाई समाज के जो लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनको बहुत सी सुविधाएं मिल सके। जी, हमारे बीच में आपके सह संयोजक है उत्तर प्रदेश से रिचर्ड कॉकर जी। मैं जानना चाहती हूँ रिचर्ड कॉकर जी कि भारतीय ईसाई मंच में आप हैं, एक अच्छे ऊंचे पद पर हैं, और आपके क्या विचार है जब लोग ये कहते हैं कि ईसाई जो है वो धर्म परिवर्तन कराता है? देखिए, नमस्कार, मैं रिचर्ड कॉकर, सह संयोजक उत्तर प्रदेश और वरिष्ठ प्रभारी हूँ उत्तर प्रदेश से और भारतीय जनता पार्टी लखनऊ जिले से जिला उपाध्यक्ष हूँ। और मैं इस
ये बिल्कुल भारतीय समाज हम लोग का इसका बिल्कुल फेवर नहीं करता है धर्म परिवर्तन के बारे में, ठीक है, इसके बिल्कुल ही खिलाफ रहते हैं और जो लोग इसका विमोह उड़ाते हैं ये सब चीजें गलत है। जी धन्यवाद। मैं एक बार फिर से राष्ट्रीय संयोजक जी से आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके भारतीय साई मंच के जैसे आपके जगह जगह प्रोग्राम्स हो रहे हैं तो अभी तक आपने भारतीय साई मंच को कितने राज्यों में स्थापित किया है? भारतीय साई मंच जो है इस वक्त भारत के 14 राष्ट्र के 14 राज्यों में स्थापित हो चुका है और वहाँ की सभी सरकारें भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो है भारतीय साई मंच को पूरी रीति से वहाँ पे हम लोगों को समर्थन करती है और हम लोग ने अभी पीछे जो है यहाँ पे 15 तारीख को लखनऊ के अंदर एक बड़ा एक महासम्मेलन यहाँ पर हुआ और दो दिन का कार्यक्रम था जिसमें राष्ट्र कार्यकारिणी की भी बैठक हुई जिसमें हमारे 14 राज्य से लोग यहाँ पर आए हुए थे और इसमें माननीय उप मुख्यमंत्री जी माननीय दिनेश शर्मा जी प्रमुख अतिथि के तौर पे थे और ये कार्यक्रम जो है बहुत मुख्यमंत्री जी माननीय दिनेश शर्मा जी प्रमुख अतिथि के तौर पे थे और ये कार्यक्रम जो है बहुत ही कामयाब कार्यक्रम रहा और इस कार्यक्रम के द्वारा भारतीय साई मंच के इस कार्यक्रम के द्वारा दो दिन के कार्यक्रम के द्वारा उत्तर प्रदेश की जनता को विशेष तौर पर ईसाइयों को एक अच्छा संदेश गया है क्योंकि माननीय मोदी जी माननीय योगी जी माननीय आपके नड्डा जी का ये भरपूर प्रयास है कि संपूर्ण भारत में जो भारत का ईसाई है भारतीय ईसाई है जो इस जमीन का है जो इस मिट्टी का है उसको सम्मान दिया जाए जो सबसे पीछे हैगा जिसको अब तक किसी सरकारों ने सम्मान नहीं दिया था उसको भारतीय जनता पार्टी भारतीय ईसाई मंच के द्वारा सामने लेकर आ रही है। जी जी मैं आपसे थोड़ा और जानना चाहती हूँ आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 2024 में जैसे कि भारतीय ईसाई मंच ने घोषणा करी है कि सारे भारतीय ईसाई आपके नरेंद्र मोदी जी के साथ है और ये मिल करके इस बात का आह्वान करते हैं कि ईसाई मंच जो है ये सारे ईसाइयों को एकजुट कर रहा है, इस पर आप क्या प्रकाश डालना चाहते हैं? मैं आपके सूचना नेटवर्क के द्वारा आपके मैं इस बात का संदेश देना चाहता हूँ जैसे अभी हमारे प्रदेश संयोजक जी ने इस बात को बताया है कि भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले लोकसभा चुनाव 24 में सभी ईसाई वर्ग जो भारत का ईसाई वर्ग है वो हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी को दोबारा फिर से वापस लेके आ रहा है और माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम लोग फिर से प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग इनको फिर से देखना चाहते हैं क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारा देश उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है, सुपर पावर की ओर आगे बढ़ रहा है। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं अपने भारत के सभी ईसाई वर्गों का, सभी धर्मों का हम लोग आदर करते हैं, सबको एक सम्मान हम देखते हैं। भारत का ईसाई सभी वर्गों का सभी धर्मों का सम्मान करता है, आदर करता है। जी मैं सुनीता सूचना नेटवर्क से कैमरामैन सामर्थ के साथ।